ये सर्दियों का मौसम, कैसे आप अपने शारीरिक बल को बढ़ा सकते थे, किस तरह पुराने टाइम पे लोग वैद्यों की मदद से, राजा महाराजा इस घरेलू नुस्खों को अपनाकर अपने आप को सशक्त रखते थे, इम्यूनिटी स्ट्रांग रखते थे और बीमार नहीं पड़ते थे। तो मेरे साथ डॉक्टर नित्याश्वरी भी हैं और कुछ पेशेंट्स भी हैं। तो इस नुस्खे के लिए सबसे पहले आपको क्या चाहिए, क्योंकि इसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए छोटी इलायची। ये छोटी इलायची के कुछ दाने लेने हैं और इन इलायची को छिल कर इसके अंदर के बीज निकाल लेने हैं। और छोटी इलायची के बीज में क्या पोषक तत्व है, इसका छिलका हटा देना है, क्योंकि छिलके के साथ खाने से ये अलग तरीके से काम करती है, लेकिन छिलका हटा के खाएंगे तो ये आयरन, विटामिन सी, नियासिन, राइबोफ्लेविन, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम और बाकी भी कई तरह के विटामिन देने का काम करती है। तो इन छोटी सी इलायची के कुछ दानों को लेकर हमने इस तरह इसमें पीस लेना है। तो ये जब तक ये पीसते हैं तब तक मैं बताऊंगा। इसके अलावा आपको चाहिए मिश्री, लेकिन कौन सी मिश्री, धागे वाली मिश्री। तो इस मिश्री में ये देखो धागे वाली मिश्री है, ये धागे से जब मिश्री बनती है तो ये वाली मिश्री चाहिए। और आपको चाहिए ये वाला आपको इलायची का दाना और कुछ मूंगफली के दाने, कच्ची मूंगफली के दाने जिनको हमने 6 घंटे भिगो के रखा हुआ है। तो ये मूंगफली, मिश्री और इलायची को मिलाकर हम एक ऐसा योग बनाएंगे जो अगर पूरी सर्दियां, कोई भी जो आप में बैठा हुआ है, अगर सर्दी सर्दी के 14 जनवरी से पहले पहले इसको इस्तेमाल करना होता है, क्योंकि उसके बाद सूरज का दक्षिणायन से उत्तरायण काल शुरू हो जाता है, चेंज हो जाता है सूरज का समय, उसके बाद ये नुस्खा वैसे काम नहीं करता जिस तरह अभी सर्दियों में काम करेगा। इसीलिए हमारे पूर्वज बचपन से इस टाइम पे हमें सफेद तिल, काले तिल खाने के लिए बोलते थे और लोहड़ी के टाइम पे हम गच्चक, रेवड़ी और इन सब चीजों को खाते थे, क्योंकि इसका एक अलग साइंटिफिक लॉजिक है। तो हमारे साथ हॉस्पिटल में कुछ पेशेंट भी हैं, उनसे भी मिलते हैं और उनसे भी जानते हैं उनको क्या फायदा हुआ। और तब तक दीपक जी अपना तैयार करेंगे। तुसी कित्थों आए हो, तुहानूं की तकलीफ सी, की फायदा होया? सर पटियाले तो मैंने 2005 की शुगर दी जी, कल शुगर कट, मैं पीजीआई में मैं इंसुलिन ले रहा, 3 दिन इंसुलिन लेता था और मेरे को पता लग चला, हम अचार मैं टीवी देखा, इंडिया टीवी में आ रहे थे, फिर यहाँ से रजिस्ट्रेशन कराई, इन्हें बुला लिया और हफ्ते बाद मेरी शुगर देखी, शुगर नॉर्मल पोजीशन बिल्कुल। शुगर दवाई बंद होगी? हाँ शुगर बंद, कोई इंसुलिन बंद हो गई, इंसुलिन बंद हुई सर। ठीक है, और की फायदा होया? और मेरे मतलब प्रॉब्लम थोड़ी थोड़ी जी, मैं सांस चढ़ता, मेरे को सांस बहुत भागता था, सांस नहीं चढ़ता, अब मैं भागता सांस नहीं चढ़ता बिल्कुल, सांस कोई प्रॉब्लम नहीं, सांस नहीं। तुझे एक बार उठ के दिखाओ, तुहानू पहला भी चलन फिरन दिक्कत आती सी? हाँ जी, मैं तो मेरे को पैरालाइज हो गया 2018 में, मेरे को पैरालाइज हो गया था, लेकिन इथे आने तो बाद थोड़ा पहले ना फर्क पै गया, बहुत फर्क पै गया मेरे को, क्यों मैं मसाज भी कराना और भाफ लेना और हाँ जी कसरत करना, बहुत बहुत फर्क पै गया। तुसी एक साडा कंसेप्ट कीता सी अर्थिंग वाला, राती कॉपर दी प्लेट लगा के सुत्ता सी, ओने नाल की फायदा होया? सर ओदे नाल मेरे जिहड़े क्लाउड सन मेरे पैरां च ना क्लाउड बन गए सन, ते मतलब गंडा बन गया, गंडा बन गया सन, ते कोई हिला नहीं सी। फिर मैं मनीष जी दा टीवी देखिया, मेरे को मोबाइल दे विच देखिया, इहनां नाल कहा वी अर्थिंग पॉइंट है, मैं कर फिर 15 फुट अर्थिंग कराई घट तों घट, मैं 12 घंटे लगा, मिस कही थी 12 घंटे आपको कंट्रोल लगेगा। तुहानू फायदा होया ओदे नाल? बिल्कुल फायदा, मेरे कर सर्कुलेशन, मेरा शरीर का सर्कुलेशन चलने लगा। ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਡਮ ਵੀ ਨਾਲ ਲਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲੈਣੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਬਲੱਡ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਉਧਰ ਦੇਖ ਕੇ ਦੱਸੋ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ, ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜੇ ਬਾਹਰ ਦੀ ਦਵਾਈਆਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਵਾਈਆਂ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਮੌਤ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਪੀਜੀਆਈ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਸ ਕੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਿੱਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ 10 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਉਮਰ 20 ਸਾਲ 25 ਸਾਲ ਜੀਣ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਮੀਦ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਜੀ ਸਕੂੰਗਾ। ਚਲੋ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ। ਸਾਰੇ ਇਹੀ ਨੈਚੁਰਲ ਅਪਣਾਓ, ਬਸ ਨੈਚੁਰਲ, ਮਤਲਬ ਸਭ ਨੂੰ ਕਣ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰੀ ਆਏ ਆਂ ਜੀ ਹੁਣ। ਚਲੋ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਇੱਕ ਹਮਾਰੇ ਸਾਥ ਔਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈ, ਆਪਕੋ ਕਿਆ ਤਕਲੀਫ ਹੈ, ਕਹਾਂ ਸੇ ਆਪ ਆਏ ਔਰ ਕਿਆ ਦਿੱਕਤ ਥੀ ਆਪਕੋ? ਮੈਂ राजस्थान हनुमानगढ़ से हूँ और मेरे को किडनी की प्रॉब्लम थी। क्या किडनी में क्या प्रॉब्लम है, कितने परसेंट किडनी काम कर रही है आपकी? अब पहले 4% काम कर रही थी, अब 6 पॉइंट कुछ काम, मतलब 6% किडनी काम करना शुरू हो गई आपकी, जो पहले 4% कर रही थी। और क्या कहना चाहोगे पूरे देश के लोगों को, आपको देख रहे हैं, आप कितने दिन से एडमिट हो हमारे हॉस्पिटल में? यहाँ पे 8 दिन से। और अपने आप को कोई फर्क लग रहा है? हाँ, जो पहले मेरे को भूख नहीं लगती थी, अब वो भूख लगने लगी और जो स्वेलिंग थी वो नहीं है अब, मतलब पहले से सूजन भी हट गई और भूख भी ठीक हो गई। थैंक यू। और भी लोगों से मिलते हैं, उससे पहले मैं आपको बता दूं इस तरीके का करना क्या था। जो भी हमने इलायची के बीज लिए, अब जो इलायची के बीज हमने पीस लिए हैं, अब इनको हमने दूध लेना है, लेकिन अब दूध जो लेना है वो दूध बड़ा प्रॉब्लमफुल है, क्योंकि दूध आप जो पी रहे हो बाजार में वो दूध सही दूध नहीं है। तो अगर तो देसी गाय का दूध मिल जाए गारंटेड, तो देसी गाय का दूध ले सकते हैं आप, नहीं तो मूंगफली का दूध बनाएंगे हम। ये मूंगफली के दानों को मिक्सी में डालकर हम इसको पीसेंगे थोड़ा पानी डालकर, और फिर उसको कपड़े से छानकर
हम लोगों ने यहाँ पे पहले से ही निकाल के रख लिया क्योंकि आपके दर्शकों का टाइम बच जाए। ये मूंगफली का दूध है, मूंगफली को हमने 6 घंटे भिगो के रखा। 6 घंटे भिगोने के बाद इसको मिक्सी में बीट करा, थोड़ा पानी डाल के सूती कपड़े से उसको निचोड़कर ये दूध निकल गया। अब ये मूंगफली का दूध है, सेम मूंगफली के दूध की तरह आप नारियल का दूध भी निकाल सकते हो। मतलब नारियल की गरी ली, उसको मिक्सी में बीट करा, पानी डाल के कपड़े से निचोड़ा, नारियल का दूध निकल गया। तो ये नारियल का दूध नहीं तो सबसे बेस्ट है मूंगफली का दूध इस मौसम के लिए। लेकिन मूंगफली कौन सी लेनी है? कच्ची मूंगफली। अब इस मूंगफली के दूध को, 1 गिलास दूध को हमने गर्म करना है और उसमें लगभग इतना, लगभग 3 चम्मच इलायची का पाउडर, 3 चम्मच इलायची का पाउडर और साथ में कम से कम इतना बड़ा मिश्री का टुकड़ा, ये दोनों को इकट्ठा डाल के उबालना है। इतना उबालना है, इतना उबालना है कि दूध आधा रह जाए। आधा रहने के बाद आपने उसको इस तरह वज्र आसन में बैठ के पीना है, इस तरह बैठ के पीना है। जब हम इस तरह बैठ के पीते हैं तो हमारी मसल्स का ब्लड सर्कुलेशन, सारा पैरों का ब्लड सर्कुलेशन हमारे पेट पे और जननांगों पर पड़ जाता है। तो आज की डेट में आपने देखा होगा हर शहर में लिखा होता है कमजोर रोगी मिले, फलाने मिले, नामर्द मिले, ये लिखा होगा ना। जबकि पुराने टाइम पे तो दिक्कतें थी नहीं, लोगों की रानियां भी पता नहीं कितनी कितनी होती थी। आजकल क्या, व्यक्ति अपनी एक बीवी को खुश नहीं कर पाता तो दिक्कत आती है। तो ये सर्दियों में जो 2 महीने का नुस्खा है, ये आपको किडनी फेल से भी बचाएगा, लीवर खराब होने से भी बचाएगा, शारीरिक शक्ति भी बढ़ाएगा, और ये दोनों के लिए है, ये मेल फीमेल दोनों के लिए है। लेकिन पीना कब है? 14 जनवरी से पहले पहले, यानी कि पूरा नवंबर का महीना, पूरा दिसंबर का महीना और जनवरी से पहले। और जनवरी तक क्यों पीना है वो मैडम आप बता दीजिए। आयुर्वेद के शास्त्रों में ये वर्णित है कि हमारा जो ऋतु चल रहा है हेमंत ऋतु चल रहा है, और हेमंत ऋतु में जो है वो सूर्य और सूर्य का बल उत्तम होता है और अग्नि की तीव्रता के कारण अग्नि का बल भी उत्तम होता है। इस ही ऋतु में रसायन और वाजीकरण सेवन का जो है वो शास्त्रों में उपयुक्त वर्णन दिया है। तो इसी कारण जो है अग्नि के बल की वृद्धि के कारण जो है हम इनका सेवन करेंगे तो बेहतर हमें रिजल्ट प्राप्त होंगे। एक मैं बोल दूं, जैसे हम बोलते हैं गाय का दूध पियो, गाय पर कहावत क्या है? गाय हमारी, और भैंस पर क्या कहावत है? अकल बड़ी के गई भैंस, काला अक्षर जिसकी लाठी, भैंस के आगे। तो कभी भी भैंस का दूध ना पिए, ये भैंस को काटा मार दो, इसका दूध मत पिया करो गलती से भी। और इसके अलावा जो गाय का दूध भी पीना है तो कभी भी आपने अगर पीना है तो ध्यान से देख लो, हमेशा पीना है तो देसी गाय का दूध पीना है। ये HF गायें, अमेरिकन गायें, जर्सी गायें का दूध नहीं पीना होता। अगर दूध पीना है तो देसी गाय का पियो, नहीं तो मूंगफली का दूध पी लो, नहीं तो नारियल का दूध पी लो। ऐसे ही बादाम का दूध भी बन जाता है। बादाम भिगो के रखो 6 घंटे, उसको मिक्सी में बीट करो, कपड़े से निचोड़ो और उसका दूध बनाओ। और ये जो तरीका है आपका इलायची और आपका ये मिश्री, इसको इस्तेमाल करो। इसके अलावा सर्दी सर्दी आप नियम से रोज आधा चम्मच आपके सफेद तिल और आधा चम्मच काले तिल, इसका नियम बना लो चबा चबा के खाने का। ये सफेद तिल और काले तिल, ये दोनों तिल यहां पड़े हैं, ये दोनों आप नियम अपना लो। अगर किसी का किडनी फेल होने वाली भी होगी ना, वो बच जाएगी। किसी का बीपी हाई होने वाला भी होगा तो बच जाएगा। मतलब आपको कोई बीपी की वजह से हार्ट की दिक्कत नहीं आएगी। एक पेशेंट है हमारे साथ, मैं मिलवा भी देता हूं आपको। आप कहाँ से हो और क्या तकलीफ थी और क्या फायदा हुआ आपको? सर मैं मोहाली से हूँ। मैं आज अब 21 अगस्त 2022 की अगर बात बताऊँ तो जब मैं यहाँ पे फर्स्ट टाइम आया था तो मुझे वॉमिट्स बहुत लगी हुई थी। मेरा क्रिएटिनिन लेवल 6.98 था और वीकनेस बॉडी में बहुत ज़्यादा थी। मेरा हीमोग्लोबिन भी 7.2 रह गया था लास्ट। देन यहाँ पे जो मुझे 7 डेज की जो ट्रीटमेंट मिली थी, जो इन्होंने मुझे सिखाया था, उससे मेरे को आज मैं आप बता रहा हूँ तो मेरी बॉडी में एनर्जी बहुत है और मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि मैं किडनी पेशेंट हूँ। मैं बहुत नॉर्मली बिहेव करता हूँ बॉडी, और इवन मैं संडे संडे क्रिकेट भी खेलता हूँ मैम। और बहुत पहले से थोड़ा मतलब आपको सही लेवल हो गया कि मैं सही जगह आ गया। बिल्कुल सर, बिल्कुल। अदरवाइज आप अगर कहीं चले जाते वो डायलिसिस बताते, फिर वो ट्रांसप्लांट बताते, 16 आपको वो बोलते हैं कि कट बना लीजिएगा तो हो सकता है इमरजेंसी वो करेंगे, डायलिसिस करना पड़ेगा। सर बहुत हिल गया था, मतलब कि अगर अपनी बात बताऊं तो अभी एज मेरी अराउंड 39 के राउंड हूं मैं सर। तो एक बेटा है मेरा, तो मैं ऐसे सोचा था कि अब लाइफ मेरी बिल्कुल ही वो हो गई है। बट अब आप देश के लोगों को क्या बोलना चाहोगे? सारे देश के लोग देख रहे हैं आपको। मैं तो यही बोलना चाहूंगा कि अगर
अगर मतलब कि जो भी है सर लाइफ है, मतलब कि लाइफ में कुछ भी है, पर आप यहाँ आइए हिम्स में, बहुत बेटर है। मेरी एक बीपी की मेडिसिन में 5-6 साल से ले रहा था जी, वो भी अभी नहीं ले रहा हूँ। तो थैंक यू वेरी मच। एक और दर्शक है हमारे, एक और पेशेंट है हमारे साथ, मैं उनसे भी मिलवा देता हूँ आपको। आप कहाँ से आप आए हो और क्या तकलीफ थी आपको, क्या फायदा हुआ है? मैं असम से आया हूँ, मेरा नाम खेती सरकार है, आज 9 तारीख से मैं यहाँ में भर्ती हूँ। तो सबसे बढ़िया बात है, आप लोगों सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ। जो बीपी का ये इंसुलिन मैं 4 टाइम लेता था, वो 1 टाइम भी लेना नहीं पड़ता। मतलब 4 टाइम की जगह एक टाइम नहीं लेना पड़ रहा, इंसुलिन बंद हो गया, इंसुलिन बंद हो गया। वेरी गुड। और सर में चक्कर जो आता था वो अभी बंद हो गया। ठीक है, तकलीफ के लिए आप आए थे यहाँ पे? लिवर सिरोसिस मेरा हुआ। आपको यहाँ के बारे में पता कैसे पता चला? ये यूट्यूब देख के और लिवर सिरोसिस का मतलब समझते हो, यानी कि लीवर फेल हो, यानी कि बोल देते हैं लीवर ट्रांसप्लांट कराओ। अब वही लीवर आप सबके सामने, वही लीवर धीरे 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 काम करना शुरू कर देगा। तो चाहे किडनी हो चाहे लीवर हो, ये वापस रीग्रो करते हैं, बस उसके लिए हमें इच्छा शक्ति की जरूरत है। आयुर्वेद भी कहता है जो एक बार खाता है वो योगी, जो 2 बार खाता है वो भोगी, और 3 बार खाता है वो। और आज पूरा भारत कम से कम आप सब भी 6-6 बार खाते हो, तो आप सब बनोगे महारोगी। तो सुधर जाओ अभी भी, आयुर्वेद को अपना लो जो 2 बार खाने की बात करता है। अगर आप बात करते हो पुराने टाइम की, तो लोग बोलते थे ना 2 वक्त खाने के लिए काम कर रहा हूं, 2 वक्त के लिए खाने के लिए काम कर रहा हूं। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, ब्रेकफास्ट लंच डिनर, बीच में मिड मील, फिर लंच और डिनर के बीच में मिड मील, और फिर रात को खाने के बाद फिर शाम को कुछ ना कुछ आपको चाहिए होता है, कोई स्वीट डिश वगैरह। तो आप लोग टोटल 6 बार मशीन को खोलते हो, इसको 2 बार खोलने की आदत डालो, जल्दी ठीक हो जाओगे। तो ये सर्दियों में इस नुस्खे को अपनाओ। और पूरे भारत में हमारे 128 सेंटर हैं, टोटल 128 सेंटर्स हैं जहां पे क्वालिफाइड डॉक्टर्स बैठते हैं। अगर आप घर पर अपने लिए कोई नुस्खा बना सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो हमारे डॉक्टरों के पास जाओ, मिलो, बैठो, समझो। ये पूरी 128 सेंटर्स की लिस्ट भी है, ये आप इस नंबर से, नीचे एक नंबर है, इस लिस्ट को आप ले सकते हो, और डॉक्टर से मिलके सलाह करके भी आप अपने लिए ट्रीटमेंट डिसाइड कर सकते हो। तो आज हिम्स हॉस्पिटल चंडीगढ़ से मैं आचार्य मनीष, मेरे साथ डॉक्टर नितेश्वरी और डॉक्टर सुयश, हमारी टीम की तरफ से, और ये सब हमारे क्लाइंट पेशेंट जो कि विश्वास कर रहे हैं आयुर्वेद, उन सब की तरफ से भी आपको बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू, नमस्कार।